उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत छात्राओं का मनोबल बढ़ाए जाने के उद्देश्य से एक दिन के लिए सांकेतिक पुलिस प्रशासनिक अधिकारी नामित किए जाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को महानगर के मिलन विहार स्थित आकांक्षा विद्यापीठ इंटर कॉलेज में कक्षा 12 की छात्रा संध्या भाटी पुत्री इंद्रराज भाटी को एक दिन का सांकेतिक जिलाधिकारी नामित किया गया। संध्या भाटी ने सांकेतिक जिलाधिकारी का भार ग्रहण करने के बाद जिलाधिकारी कार्यालय में आने वाले फरियादियों की विभिन्न शिकायतों को सुना। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सांकेतिक जिलाधिकारी संध्या भाटी को अपनी कुर्सी पर बिठाया और अध्यापिका दीक्षा चौधरी भी मौजूद रही। कार्यभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए संध्या भाटी ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत उन्हें एक दिन का सांकेतिक जिलाधिकारी नामित किया गया है, उससे इनका उत्साह बढ़ा है। संध्या भाटी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वे आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा करने की इच्छुक हैं। पत्रकारों से बात करते हुए संध्या भाटी ने आगे कहा, क्या क्या सीखने को मिला था आपको? नीचे करने क्या क्या समस्याएं आज के टाइम में हैं, लोग किस तरह पीड़ित हैं, उन्हें किस चीज की आवश्यकता है, क्या सुविधा उन्हें देनी चाहिए, कितने लोगों की समस्या का समाधान किया जाए आपके द्वारा? लगभग 30-35 लोग आए। क्या देश को क्या मैसेज देना चाहिए? जैसे आप एक डीएम की कुर्सी पर बैठी हुई हैं, क्या मैसेज देंगे देश को, किस तरह से मैसेज देना चाहिए? सबसे पहले तो अपने हकों को जानना बहुत ज़रूरी है, अपने कर्तव्य को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद अपनी समस्याएं किसी को सुनानी चाहिए। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ और मैं बहुत थैंकफुल करना चाहती हूँ अपने प्रिंसिपल सर को, अपने स्कूल को, जो मुझे इतना अच्छा अवसर प्रदान किया है। छात्राओं से क्या कहना चाहेंगे? छात्राओं से यही कहना चाहूँगी कि अपने हक को समझें, अपने कर्तव्य को समझें और कोई भी आगे बढ़ मतलब कोशिश करें। निकट भविष्य में आपका क्या प्रयास रहेगा? निकट भविष्य में मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। आर्मी जी। इस मौके पर संध्या भाटी की शिक्षिका दीक्षा चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, किस तरह का देखते हैं इस तरह का प्रयास का, जो सरकार का प्रयास है एक बच्ची को आगे बढ़ाने, किस तरह देखते हैं, क्या मानते हैं? सर, ये एक पॉजिटिव वाइब्स है क्रिएट करने के लिए, मतलब सकारात्मक सूचना देगी छात्राओं को और अभिभावकों को। मुझे लगता है कि इसके बाद मोस्टली पेरेंट्स ये सोचेंगे कि हमें अपनी बेटियों को एजुकेट कराना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन के बेस पर ही यहाँ तक पहुँच पाए हैं और बहुत ज़्यादा सम्मान पर है ये हमारे विद्यालय के लिए कि हमारे विद्यालय की छात्राओं को ये इतना सुंदर अवसर मिला है। एक दिन के लिए वो जिला मजिस्ट्रेट के पद पर बैठी हुई है, उसके लिए भी बहुत सम्मान का पल है और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा अनुभव कर रही है, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिल रहा है उसे और वो मुझे लगता है कि उसकी हेल्प से आगे बहुत सी लड़कियों को, बहुत से अभिभावकों को सीख मिलेगी इससे कि मतलब अपनी बेटियों को एजुकेट करना चाहिए। छात्राओं से और उनके अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जिन छात्राओं को उनके अभिभावक शिक्षा दे पा रहे हैं उन्हें उस शिक्षा का सम्मान करना चाहिए, उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, और जो अभिभावक अपनी बेटियों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं उन्हें हर समय प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हर बेटी कीमती है और हर बेटी अनमोल है, तो हो सकता है कौन सी बेटी किस बार हमारे देश के लिए एक एसेट यूज़ हो, मतलब एक एसेट की तरह यूज़ हो, एक सहयोग बने हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, तो इसमें सभी अभिभावकों को अपनी बेटी को एजुकेट करना चाहिए। सर, ये बहुत ही अच्छा मिशन है, ये बहुत ही अच्छा अभियान है, इसके थ्रू बहुत सारी महिलाओं को और बहुत सारी छात्राओं को सशक्त होने का अवसर प्राप्त हुआ है, मतलब जो चीज़ें वो नहीं जानती थी, जो अधिकार लोगों के नॉलेज में नहीं थे, वो सब चीज़ें उन्हें सीखने का अवसर मिला है, तो ये बहुत ही सफल और बहुत ही अच्छा मतलब अभियान चलाया है सरकार ने और ऐसे ही अभियान आगे आते रहने चाहिए, मतलब ये रिक्वेस्ट करूँगी सरकार से। अंत में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सरकार के मिशन शक्ति अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे छात्राओं का मनोबल बढ़ता है और उनके अंदर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की जिज्ञासा पैदा होती है। पत्रकारों से बात करते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा, देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा इस समय मिशन शक्ति चलाया जा रहा है। इस मिशन के पीछे बेसिक मंशा यह है कि जो महिलाएं हैं हमारे प्रदेश की, वो सशक्त, आर्थिक रूप से सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने और उसमें सुरक्षा का विश्वास जागृत हो, और निश्चित रूप से सुरक्षा का विश्वास कहीं ना कहीं अंतर्मन से जागृत होता है और दूसरा उसका कारण होता है जो एटमॉस्फेयर, जो माहौल, जो सोसाइटी होती है। चूँकि अभी भी हम देखते हैं कि अगर हम सर्विसेज में देखें, आर्थिक स्वायत्तता की बात देखें, तभी भी महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है,
और सरकार ने इसी सोच के साथ इस पूरे पिछले एक सालों से मिशन शक्ति के तहत विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें महिला सुरक्षा, महिला आत्मनिर्भरता और महिलाओं को बेहतर ढंग से उनको समाज में स्थान मिले, उनको सम्मान मिले, उसको दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम किए गए हैं। उसी कड़ी में आज विभिन्न अधिकारियों के स्थान पर इन लोगों को बैठाया गया है, जैसे एसपी सिटी, एक बालिका आज एसपी सिटी का कार्यभार देख रही है, एक बालिका हमारी एसपी ग्रामीण का कार्यभार देख रही है। ऐसे डिफरेंट हमारे जो अधिकारी हैं उन सभी जगहों पर हमारी बालिकाओं को बैठाया गया है। इसके पीछे मंशा यह है कि इन बालिकाओं में आत्मविश्वास जागृत हो और आगे कुछ करने की इनके अंदर भी तमन्ना हो, समाज के मुख्य धारा से जुड़े और आर्थिक रूप से मजबूत बने, इसको दृष्टिगत रखते हुए आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और जहां तक जिलाधिकारी के पद का भार कार्यभार ग्रहण करना है, तो आकांक्षा विद्यापीठ इंटर कॉलेज की संध्या भाटिया नामक बालिका ने आज यहाँ जिलाधिकारी का कार्यभार ग्रहण किया और उसने बहुत बेहतर ढंग से लोगों की समस्याओं को सुना और बड़े आत्मविश्वास से उसके क्या निदान हो सकते हैं उस पर मुझसे चर्चा परिचर्चा की। और निश्चित रूप से संध्या का सहयोग मैं कर रहा था जिससे कि उनको कार्य करने में कोई दिक्कत न हो, तो एक मेरे लिए भी एक अच्छा अनुभव था और निश्चित रूप से संध्या के लिए एक यादगार पल होंगे उनकी लाइफ के। और जब ये चीज़ अपने साथियों में शेयर करेंगी तो निश्चित रूप से जो और साथी होंगे वो भी प्रेरणा लेंगे, क्योंकि हर आदमी, हर बच्चा एक सपना देखता है, कुछ ना कुछ बनने का उसके मन में सपना होता है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है। जैसे संध्या से जब पूछा गया कि आप क्या बनना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ। तो निश्चित रूप से एक सपना होता है, अगर उस सपने की दिशा में उनको सही राह दिखाई जाए, सही उनको मार्गदर्शन दिया जाए, तो सपने पूरा करना आसान हो जाता है। तो मैं जो भी आज बालिकाएं इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रही हैं, मैं उन सबके साथ सारी बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और एक ऐसे राष्ट्र का सपना ख्वाब देखता हूं कि जहां पुरुष और महिला का कोई भेदभाव ना हो, जहां एम्प्लॉयमेंट में महिलाओं की समान भागीदारी हो। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जो सरकार का एक प्रयास है, राज्य सरकार का, उससे निश्चित रूप से इस दिशा में तेजी से हमारे कदम बढ़ेंगे और जो हमारे सपने हैं वो पूरे होंगे।